चतुर्विंशति शंकर परम देव माध्यान माध्य जम्मूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाटनाम नगरे जिन शरणवतीर्थे महाशानुत्तम मासे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयां शुभदिन मंग बुधवार वासरे मुनियारिका श्रावकारिकाणां शकलकरं क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि संसार महादुख सागर में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं यं यं जीं जीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमरते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं सम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा दिनाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं ऋष्वादिवीरान् चतुर्विंशतिशङ्कर चतुष्कलशिञ्चिना जलादि अर्घं नृपामिति संसार चतुष्कलश चरणान्मिञ्चन्नानुलेपनं करोमि श्रद्धा जलाक्षतमनोहरे पुष्पदीपे प्रत्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मङ्गले सुखालय कामदाय मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। सब ही रहिए जो जहाँ साइड में हो जाए उनको करने। नमः शिदेव्या ओम नमः शिदेव्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन्यन फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोस्पर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वोपसर्गम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वमात्मचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारिम् सर्वगजमारिम् सर्वैष्मारिम् सर्वगौमारिम् सर्वमहिष्मारिम् सर्वधान्यमारिम् सर्ववृक्षमारिम् सर्वगलमारिम् सर्वपत्रमारिम् सर्वपुष्पमारिम् सर्वफलमारिम् सर्वराष्ट्रमारिम् सर्वदेशमारिम् सर्वविश्वमारिम् सर्वबेतालशाकनीभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल शौर्यवीर शांतिम् सर्वजनानंदनम् सर्वभव्यानंदनम् सर्वगोकुलानंदनम् सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पतन रोडमुख सौम्बहानंदनम् सर्वलोकानंदनम् सर्वदेशानंदनम् सर्वयजमानानंदनम् सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यस्सुकम त्रिशूलोकेशु व्याधि वसनवर्जितम् अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगौत धन्यधान सदास्तु चंद्रपर्वासपूज मल्लिवर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि मुनि सुब्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः।
इत्तेन मंत्रे नवग्रहणम शांत्यार्थ गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पराक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छनाय ओम राम रीम रोम रोम रा अस्या उषा रम नमा श्रीमान भागचंद जी मंजू देवी मनीष पायल पंकज पल्लवी निशांत प्रियंका नैनी प्रेक्षा देशना प्रथम समय एवं समस्त सेठी परिवार खून वाले सीकर परिवार डॉक्टर अभिनव जैन श्री गजेंद्र जी ठोलिया श्रीमती सुशीला देवी श्री आलोक लक्ष्मी देवी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु वसत् यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिम संसार उदके चंदन तंदुल पुष्प गई चर सुदीप सुदूप फलार्ग गई तवले मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जय ओम रीम श्वादी वीरान चतुर्विंश तीर्थंकर शांति धारा उसिंचि जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति स्वाहा चंद प्रभाषे मणिमुक्ता मे अति कमिनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप ओम ईं छत्रतय प्रातिहारिकताय क्लीं महाविजक्षर सहताय श्री वृषभदेवाय जलादि अर्घम नृपामिति देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब आरती नाविराय सुत मा मरु देवी के तुम राजकुमार जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारण हार हो बाबा राजा अयोध्या वाले सुख भय बहु देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपा ले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ऋषि मुनि गढ़ तेरे नाम की करते जय जयकार स्वर्ग मोक्ष चरणों में तेरे भव दुख में तनहार हो बाबा शिव पथ दिखलाने वाले सतपथ पर लाने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती धर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती मणिमय दीप रतन में थाली जगमग ज्योति जलाय झूम झूम कर करे आरती भव सागर तिर जाए ओ बाबा हर्षित कर देने वाले पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती जिन शरणम में आरती मंगल ज्योति जलाए तहां प्रभु वासा करे मोक्ष लोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ
नमस्कार की भेंट लूं जोड़ू दोनों हाथ हो बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। आचार्य श्री जी की आरती करेंगे। राज के सम्मुख करे आरती मोहत मेरे नस जाए आरती करो नाथ तेरी की मनसा सफल होए मेरी आरती करो नाथ तेरी की मनसा सफल होए मेरी। निर्मल निरम आप लोग बैठ जाइए। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भास गुरु आचार्य श्री पुलकचरण महामुनिराजाय नमः जिनके पावन चरण में संसार का अवतार जननम निर्वाणति स्वाहा। महाभोज प्रभाव निर्वाण की।
चरणों में जय माला मुरारी Thank you.
राम डमो अरिहंताणम पूर्व दिशा आगत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा नमो ओवज्जानम होम उत्तर दिशा आगत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट सभी लोगों को पुष्प चारों दिशाओं में क्षेपण करना है अपने हाथों से ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट दिव्य तेजो मूर्ति नमा श्री शांति नाता है शांति कराए सर्व विघ्न प्राशना है सर्व रोग मृत्यु बिना अब सभी लोग अपने हाथों में जल का कलश ले शोधयामी भूबांग जिन धर्मा भिरोसवे काल धोतो ज्वल स्थूलम वारिणी ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थ नाथाय श्री शांत मम वंदनम रक्ष रक्ष आप हृदय पे रखेंगे जनम होम मम नाभिम रक्ष रक्ष अब जाओ यही कर देना छ स्वाहा चलिए अब पुष्पांजलि छपेत चलिए आप इधर जाइए
आप यहाँ बलायारु रोग्य ऐश्वर्य वृद्धि त्रस्तु श्री मज्जन शासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकरस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामने मध्यलोके जम्बू दीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आयरखंडे भारत देशे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते बिभालंकर मंडित यंग मंडपे हुंडावर्षनी काले दुखमनी नामनी पंचम काल युगे प्रवर्तमाने वीर निर्माण 2547 विक्रम संबद अश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय बुधवार वासरे जिन प्रतिमाया सन्निधो दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्परन सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परम्परायाम मुनि आरिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विध संग सन्निगो विधान निर्विघ्न संप्यार्थम क्रिया शुद्ध्यार्थम शांत्यार्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभे मंडक प्रागे स्वस्ते स्थापनम करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। अब चारों कलशों में अपने हाथ भागचंद जी मंजू देवी सेठी के द्वारा यह विधान आयोजित हो रहा है और उन्होंने सबसे बड़ी बात, वे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, विगत सीकर चातुर्मास से हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी साधु जैसी उनकी चर्याएं हैं, उनका जीवन है सामायिक प्रतिक्रमण आदि। 10 दिन से यहीं पर्युषण पर्व में हैं। आज उनके बड़े भाई डॉक्टर वी के जैन जिन्होंने सीकर में हमारा चातुर्मास कराया था और बड़ी ऐतिहासिक प्रभावना सीकर में हुई थी, वो अध्यक्ष रहे उस कार्यक्रम के। आज उनके पुत्र डॉक्टर अभिनव सेठी का जन्मदिवस है और एक और हमारे अनन्य भक्त गजेंद्र जी ठौलिया, वह उनका भी आज जन्मदिन है। उन्हीं दोनों के जन्मदिन की खुशी में हमारे भागचंद जी और मंजू जी सेठी ने यह भगवान ऋषभदेव का पाठ रचा है, उसकी अर्चना की है। मैं डॉक्टर अनुभव सेठी को और गजेंद्र जी ठौलिया को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर वी के जैन जो यहाँ के ट्रस्टी हैं जिन शरणम तीर्थ के, मैं उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं बहुत आत्मीयता के साथ। और आज का यह विधान यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, दोनों महानुभावों को याद करते हुए अपने आशीष प्रदान करते हुए आज के विधान की स्थापना यहाँ पर हो रही है। श्रीमान भागचंद जी मंजू देवी सेठी मनीष पायल पंकज पल्लवी निशांत प्रियंका नैनिका प्रेक्षा देशना प्रथम समय एवं समस्त सेठी परिवार खून वाले सीकर एवं डॉक्टर अनुभव सेठी अभिनव सेठी तथा गजेंद्र जी ठोलिया परिवार सुशीला देवी आलोक लक्ष्मी परिवारस्य शर परिवारस यजमानस्त हस्ताभ्याम मंगल कलश स्थापितम करोमि स्वाहा। पूर्णेश वर्ण कलशा निकलेर्वसाने संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मापलावये त्रिभुवनेक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं मम हं सं तं पं बं बं मम मम हम हम सम सम जम जम जीम जीम छीम छी राम राम रीम रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकम करोमि स्वाहा। पूर्णाभिषेकम करोमि स्वाहा। पूर्णाभिषेकम करोमि संसार महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ, अब घाती कर्म विनाशन को चतु कलिशों की धारा करता हूँ।
तो कलशों की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के प्रवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक मोहम यज। ओम सभी लोग करिए, अभी अर्घ मत बोलिए, अभी शांति धारा होगी। ओम नमो रते भगवते श्रीमते वृक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोग उपद्रव नाशनाय सर्व कुछ छिद्रो उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रोम रा अश्या उषा अर्हम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओ पुष्टिम तुष्टिम कुरु कुरु। ओम क्षीम हूं फट क्रीटम क्रीटम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय परम श्रेष्ठ खंडान कुरु कुरु परमुन्द्रान छिन्न छिन्द पन्वंत्रान भिन्न भिन्द छा छा हूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहमस्या उषा अनत विध्यायण मोरियंताड़म ओम सर्व शांतिम तुष्टिम च कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पुरराज गेय पद भ्रष्ट उपद्रव दरिद्र उपद्रव स्वचक्र परचकद्रव प्रचंड दावा नलो जल भव शाकनी डाकनी भूत पिशाच दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्राणम विनाशनम भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल रूपम मोक्ष पुरुषास भवतु लोक मंगलम करोमि स्वाहा। संसार महा दुख सागर में प्रभु गोते काते आया हूँ संसार दुखों के नदी की धारा करता हूँ ये शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। दक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के कवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम यज। शांति धारा विसिंच जिना जलादि अर्घम नृपामिति। सभी लोग ना कि किसी को व्यक्ति को देखते ही उसके व्यक्तित्व का अंदाजा हो जाया करता है। पहली बार वह यहाँ पर पधारे हैं और उनके संरक्षण में उनके क्षेत्र में इस तीर्थ क्षेत्र का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र या धर्म क्षेत्र बनता है तो केवल मोक्ष की कामना के लिए ही नहीं बनता है। मोक्ष की कामना तो प्रमुख होती है लेकिन उसके साथ साथ जन कल्याण की भावनाएं भी निहित होती हैं और जन कल्याण के साथ साथ हमें शासन प्रशासन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पूजन कर रहा है वो ही भगवान की पूजा कर रहा है। प्रशासन हमें जो संरक्षण देता है वो भी एक भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति हुआ करती है। दूर रहकर भी वह उसकी हमारा संरक्षण सदियों से धर्म को राज्याश्रय मिला है, राजाओं ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है तो मैं कह सकता हूँ कि अपने इस क्षेत्र के राजा तो श्रीधर साहब ही हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं, उनके देख रेख में ये सब बनेगा। और मुझे खुशी है कि नए आए हैं, एक दो साल में इस मंदिर की पूर्ण आहुति होगी, प्रतिष्ठा होगी, पंचकल्याणक होगा। तो मैं ये भी चाहूँगा कि उस बड़े महोत्सव में जब दो साल डेढ़ साल बाद लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, शासन प्रशासन के सभी लोग एकत्रित होंगे, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इनका ट्रांसफर ना हो, ये यहीं रहे और इनके ही नेतृत्व में ये बड़ा आयोजन यहाँ पर हो। क्योंकि मैं तो यहाँ हमेशा रहता नहीं हूँ, पद विहारी हूँ, पूरे हिंदुस्तान में विचरण करता हूँ। मेरी चर्या मालूम है कि नग्न रहना, नंगे बदन और नंगे पैर हिंदुस्तान की यात्रा करना, पैदल पैदल चलना और एक टाइम भोजन लेना, अन्न जल लेना, अंजलि में कभी तहसीलदार साहब को बुलाएंगे कि देखो जैन मुनि की चर्या क्या होती है, तपस्या क्या होती है। तो मैं आज वो यहाँ पर पधारे हैं और हमारा मंच शोभा को प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारी यहाँ की सबकी कर्ता धरता शोभा ताई भी यहाँ पर सुशोभित हैं और पूरा ये कार्य हो रहा है।
मैं चाहूंगा कि वो मुझे मालूम है कि उन्हें दो जगह का क्षेत्र मिला है काम के लिए, इतनी व्यस्त समय में से यहाँ पर आना, 20 तारीख को उनको आना था लेकिन चुनाव की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। लगातार संदेश मुझे मिलता रहा, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि एक बार वो इस क्षेत्र में पधारें, क्योंकि जिसके संरक्षण में सब क्षेत्र बन रहा है उनको एक बार यहाँ पर जरूर। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस तीर्थ की ऐसी महिमा है, जो एक बार आता है यहाँ बार बार आता है, उसका मन यहाँ आने को करता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी शोभा ताई धारीवाल हमारे तहसीलदार साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, सहयोग करें, रौनक आए लेकर के। और महके चंदन शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, जिन शरणों में महके चंदन, जिन शरणों में महके चंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। मसीहा तू है सबका मसीहा, तू है सबका मसीहा, तू है सबका मसीहा, मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे इस क्षेत्र के तलाटी कुमार जी कुंडारी को, वो पधारें, वह भी यहाँ पर आए हुए हैं। पुलक सागर गुरुवर से लगी मेरी प्रीत रे, हर्षाए मोरा जिया अधिरोप गीत रे, पुलक सागर गुरुवर से लगी मेरी प्रीत रे, हर्षाए मोरा जिया, और मैं चाहूंगा कि सभी को जय जिनेन्द्र साहब नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी विनती को मान ले के यहाँ पधारे है, तलाटी साहब आप भी, तो आप हम तो मैं अभी तीर्थ देखने लेके जाऊँगी आपको, लेकिन मैं बोल सकती हूँ साहब जी ने जैसे बोला, एक बार जो यहाँ आता है वो बार बार आता है। साहब ने पूछा मुझे साहब जी कि आप कितने साल से इनके साथ जुड़ी हूँ, मैं तो ज़्यादा साल नहीं हुई लेकिन मैं संपूर्ण रीत्या मैंने जैसे खुद को समर्पित किया है ये तीर्थ के लिए। 2018 में साहब जी पुणे आए थे और तब से हमारी मेरी बहुत भक्ति हुई है इनके साथ में, और मैंने पूरा मेरे लाइफ का ही ये एम है अभी कि ये मैं तीर्थ पूरा ही करूँगी यानी कराऊँगी, सबका ही सहभाग है। और उसमें मैं आपको भी विनती कर रही हूँ कि हमारे जो ये तीर्थ का निर्माण हो रहा है, आप पहली बार मिल रहे तो शायद ये भावना आपको कम समझेगी, लेकिन हम आपसे मिलते रहेंगे और ये तीर्थ का महत्व क्या है और क्या होता है और जैन लोगों की दिनचर्या आहारचर्या जीवनचर्या क्या होती है ये भी आप समझ गए, और सैफ जी ये खुद भी शाकाहारी है। क्या बात। हाँ,
तो जन्म से शाकाहारी है इनका, एमपीएससी का आप पूना से भी जुड़े हैं, अभी आप यहाँ से भी जुड़े हैं, तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आए ऐसे आप हमें सहयोग देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप आते रहेंगे, आप भी आते रहेंगे, हमको सहयोग देंगे। और हमारा साहब जी का अगर आपको मीन्स जैन है अजैन है कोई भी है तो लाखों भक्त है साहब जी के, ऐसी बात नहीं है, जैन तो किसी का भी कल्याण हो सकता है ये मेरा विश्वास है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार, मैं श्री तहसीलदार तलासरी करके नया ज्वाइन किया हूँ अभी, इससे पहले विक्रमगढ़ में था 4 साल, इसके बाजू में 60 किलोमीटर पे तालुक है। तो मैं हूँ बेसिकली हैदराबाद का, लेकिन पूरा एजुकेशन मेरा इधर भिवंडी करके है नज़दीक में, वहाँ पर हुआ है। और बहुत सारे जैन बंधु मेरे दोस्त हैं भिवंडी में, बचपन से उनके साथ ही अपना एजुकेशन भी हुआ है, इसलिए अपने धर्म का मुझे सब पता है। तो अभी शोभा ताई ने और गुरुजी ने विक्की ने जो मेरे पास कोई काम प्रलंबित रहेगा वो हो जाएगा, उसके बारे में निश्चिंत रहिए, ताबड़तोड़ हो जाएगा। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, अरे आपका भी छोटा एरिया तो आपका भी है सकते हैं। 25 तारीख को हमारे दो सन्यासी हैं खड़े हो जाते हैं और बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 25 तारीख का आप 15 अक्टूबर दीक्षा होगी, तो कैसे दीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, आप मैं अभी से अपनी तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ कि 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 1-1.30 बजे के बीच आप जरूर यहाँ पर उपस्थित हों दोनों। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी, बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भजे सुखी लीजे, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं जी, बाजे चम चम चम। ऑर्गन का वॉल्यूम पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतारी जिहाजा, दूसरी आरती सी धन केरी सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा जब लगा दरबार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेगा, चौथी आरती श्री उबछाया दर्शन देखत पाप पलाया, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं, रत्नों के दीपक लेकर आरती करो जी, बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू। शिव अधिकारी दुनिया में संत हजारों है, गुरुकुल के सागर का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों है,
गुरु पुला के सागर का जाके गुरु पुला के सागर दो आनंद तारे साथ आरती श्री जी ने वाणी दानत स्वर्ग मोक्ष सुख दान दानत स्वर्ग मोक्ष सुख दानी कर दो बेड़ा पार वीरान बेली सरकार कर दो बेड़ा पार वीरान बेली सरकार वीरान बेली सरकार वीरान बेली सरकार ओ वीरान बेली सरकार वीरान बेली सरकार हम तो आए हम तो आए हम तो आए तेरे द्वार वीरान बेली सरकार हम तो आए तेरे द्वार वीरान बेली सरकार कर दो बेड़ा पार वीरान बेली सरकार। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की नमोकार में मेरा जीवन चलो चलिए प्रभु के चरण में चलो चलिए वॉल्यूम बढ़ाए वॉल्यूम कम हो गया। श्री जिन देव विराजे श्री जिन देव विराजे चलो चलिए प्रभु के चरण में चलो चलिए प्रभु के चरण में चलो चलिए। आदि मूल मंत्रेभ्यो नमः पर पुष्पांजलि क्षिपेत पापे प्रमोच्यते अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वासां गतोऽपि वा यै स्मरेत् परमात्मानं साभयाभ्यन्तरेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः ऐसो पञ्च नमो यारो सर्व पाप पडाशनो मङ्गलाडञ्चे सर्वेसिं परमं होहि मङ्गलम् अर्हमिति चरं ब्रह्म वाचिकं परमेशिनं स्थितिचक्रसि सद्पीठं सर्वतः प्रणमाम्यहं कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्वाद गुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमामि पुष्पाञ्जलि क्षिपामि। उदक चंदन तंड ते पद के वे लोग स्फुरन मन पर यशुद्ध बोध दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोध स्वस्ति तानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति स्वसा भजन घाने विलोके नान दिव्यान्मति ज्ञान बल दुहंता स्वस्ति गंगानल श्रेणी फलंबु तंतु प्रसून बीजांग कुरुचारिण व नभो गणस्वर विहारिणश्च स्वस्ति पाणिनि दक्षा कुशला महिमिन लघिमिन शकिता कृतनो गरिमिन मनोव पूर्वांगे वलिनश्च नित्यम स्वस्ति काम रूपित वशित भूमेशम प्रकाम मंत्र धीमाता धीमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रदान स्वस्ति दीप्तम अत्र अवतर अवतर संभोष्ट आह्वानम अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निधौ भव भव वसत् सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलि चपेत। आइएगा चल ले अपने स्थान पर चल जाए आप। ऋषभ देव की पूजा कर लो आए श्री ऋषभ देव के चरण कमल हम मन बचतन से नित ध्यावे निज आत्म सिद्धि को पा करके परमानंदा व्रत सुख पा। ओम ह्रीम सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तंकराय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरपामिते चरण चढ़ाने आए श्री ऋषभ देव के चरण कमल हम मन वच तन से नित ध्यावे निज आत्म सिद्धि को पा करके परमानंदा व्रत सुख पावे। ओम ह्रीम सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिते ऋषभ देव तीर्थंकराय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिते। ओम अतम मंडल श्री पतम कोष्ठ स्थान पुष्पांजलि क्षिपे।
प्रथम अर्घ भक्ति में रम जाए आदिनाथ की जय, आदिनाथ की जय, दीननाथ की जय, आओ महिमा गाए आदिनाथ की। साई सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभ दे तंगराय अर्घ्य निर्वाम दे प्रभु तन में श्वेत रुधिर पै समय अतिशे तीर्थंकर के हो अति एव मास सम त्रिभुवन जन पोषक करते ओ तार मन हो जो इस अस्य युद्ध को वे तीर्थंकर पद धारी है उन त्रिभुवन गुरु की पूजाई वह भय संकट परिहारी है। ओम ह्रीम क्षीर क्षीर समरो देरत्व सजा तिसे गुण मंडिताय अतिशय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री शब्दे तंकराय अर्घ्य निर्वामिति। उत्तम संघन नंद वज्र वर्ष नाराज कहा था शक्ति धर हे अन्य जनों को सुलभ तथा भी उसमें अतिशय नाम धरे मैं बुझू इस अस्य युक्त को वे तीर्थंकर पद धारी है उन त्रिभुवन गुरु की पूजाई भय भय संकट परिहारी है। ओम ह्रीं वज्र ऋषभ नारासनन सह जाति से आगुण मंडिताय अतिशाय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभदेत तंगराय अर्घ्य निर्वामिते। ओम ह्रीम अनुपम रूप सह जाति से गुण मंडिताय अतिशाय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्य निर्वामिते। अतिशाय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्य निर्वामिते। ये तीन जगत में भी उत्तम अति एव इंद्र सब नमते मैं पूजो इस अति में धारी उन त्रिभुवन गुरु की पूजाए भव भव संकट हर हारी। ओ अतिशय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभदेत तंगराय अर्घ्य निर्वामिते। हितमित सुमधुर वाणी प्रभु की वचन सहजाति से गुण मंडिताय अतिशय सम्यक दर्शन फल प्रदाय श्री ऋषभदेत तंगराय अर्घ्य निर्वामिते। मेरे नाथ सुध ले लो मेरी मेरे नाथ अपने दोनों निर्भय हो बे खाद्य कर्म के छह से अतिशय प्रगटे उनको पूजूं मुझ में केवल ज्ञान सोख हो भव भव दुख से छूटूं को पूजूं मुझ में केवल ज्ञान सोख हो भव भव दुख से छूटूं। ओम ह्रीं छाया रहित केवल ज्ञान अतिशय गुण मंडिताय अतिशय सम्यक ज्ञान फल प्रदाय श्री ऋषभदेत तंगराय अर्घ्य निर्वामिते। नेत्रों की पलके नहीं छबके निर्विवेश दृष्टि है जो पूजे में भव्य लहे तुम सदा कृपा दृष्टि। त्रिभुवन में जितनी विद्या है सबके ईश्वर प्रभु है जो भव्य पूजे में सब विद्या अतिशय प्राप्त क्या कहना केश और नक बड़े नी उठा दियो कर दियो माला बात है। इसका बोलिए बड़ा ऑर्गन का बोलिए बड़ा दे अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो और दियो माला बात आगे आए सभी लोग हमारी माता है फिर सभी आगे आ जाए पुकारे पुलक सागर दिखा दो कमाल अपनी नजरिया है अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो कर दियो हमारी ज्ञानी चुनरिया रंग बातो गुरुदेव मारे आएंगे रुकावटें आएंगी जब वह पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल जाता है तो वही संकट हमारे लिए सहायता बन जाती। ध्यान रखना कर्मों की विचित्र लीला है। तुम कितना भी पुण्य कमा लो अभी पुण्य कमा रहे ना और यदि आपको नरक आयु का बंद हो गया समझ आ रहा यदि नरक आयु बंद गई हो जीवन भर पुण्य कमाओगे तो नरकों में तो तुम्हें जाना पड़ेगा तो जीवन भर का जो पुण्य है वह नरकों में पाप में बदल जाएगा ऑटोमेटिक गई मेहनत बेकार क्या हो जाएगा सारा पुण्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये मत कर रहे परोन्मुखी उदय इसे कहते हैं वह
कर्म जो है अपना लक्षण छोड़ के उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि नरकों में पुण्य का उदय कभी नहीं होता, पाप का ही उदय, सतत पाप का उदय निरंतर। तो जो तुमने पुण्य कमाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे मोदी ने नोट बदले है ना, तो असली नोट रातों रात किस में कन्वर्ट हो गए? कागज हो गए, कोई कीमत नहीं उनकी। समझ में आ रहा? एक आदेश में सारे नोट किसके बन गए? वो कल तक नोट थे, आज क्या हो गए? कागज हो गए। तो वैसे ही नरकों में जब ये जीव जाता है तो सारा पुण्य काय में बदल जाता है पापों में। और यदि किसी ने देवायु का बंद किया है और जीवन भर इतना पुण्य नहीं कर पाया लेकिन स्वर्ग चला गया, तो सारा पाप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुण्य। क्योंकि देवों के पूरी आयु तक कभी भी पाप का उदय नहीं होता, और नरकों में पुण्य का उदय और मनुष्य में दोनों का उदय होता है, पुण्य का भी। और नरकों में कभी सुख नहीं है, स्वर्गों में कभी दुख नहीं है, और मनुष्य को क्या है? सुख भी है और दोनों ही हैं। अब सोच लो अपना, अपने को सदा पुण्य का उदय है या पाप का भी है? एक सा है क्या जीवन? मनुष्य का जीवन एक सा नहीं होता, पुण्य का उदय भी चलता है और उसमें नरक का जीवन एक सा होता है। जैसे जन्म लिया तो मृत्यु तक नरकों की कम से कम आयु मालूम है? 10,000 वर्ष कम से कम, मिनिमम मैक्सिमम 33 सागर। स्वर्गों की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष मैक्सिमम, वहां भी 33 सागर। तो जिस समय आपका नरक में जन्म हुआ तो जो दुख है ना, वह निरंतर दुख का उदय रहेगा 10,000 वर्ष तक, और स्वर्गों में 10,000 वर्ष तक ये सैद्धांतिक बातें, सुखी सुख का उदय रहेगा। और मनुष्य चाहे 1 करोड़ वर्ष की आयु ले आए, चाहे वह 10 वर्ष की ले आए, 1 साल की ले आए, उसके एक कर्म का उदय कभी नहीं रहेगा। पुण्य का भी उदय रहेगा और पाप का, कभी पुण्य का उदय बढ़ जाता है तो पाप का घट जाता है, कभी पाप का बढ़ जाता है तो पुण्य का घट जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य करते रहो। पुण्य करने से क्या होगा? हमारी उपद्रव नाश होंगे। पुण्य किस कैसे करें? जासो पूजो परम पर देव शास्त्र। इस पूजा से पुण्य लगता है। कोई पूजे, पूजा से क्या होता है? पुण्य लगता है। पुण्य से क्या होता है? पाप क्षय नहीं होता पुण्य से। पुण्य से पाप का नाश नहीं होता, पाप तो रहेगा ही, लेकिन जब पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप क्या हो जाएगा? उसकी संख्या कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अधिक वाला कम वाले को अपना जैसा बना लेगा। कहते हैं भाई, उसके पास बहुमत है, थोड़ा डर के रहो, है ना, उसके पास भीड़ है, ताकत है। पुण्य की ताकत बढ़ेगी तो पाप की ताकत क्या होगी? कम होगी, तो वो मरियल सा पुण्य पाप हो जाएगा। वो फल तो देगा लेकिन ऐसे चुटपुट देगा, ज्यादा बड़े नहीं देगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ भगवान की भक्ति करने से हमारे कौन कौन से समस्याओं का समाधान हो सकता है, उसका यहाँ पर अर्घ चढ़ रहा है। चलिए, जब मेघ अति वृष्टि से भोजल, अभी जो थोड़ा सा माहौल ठंडा है ना, तो फिर भी विधान तो होंगे, पूजन तो होगी। भागचंद जी अपने भागचंद सौभाग्यचंद, चंद लोगों के भाग में ये अवसर होता है, सबके भाग में अवसर। चंद को थोड़ा आगे कर दो, भाग को पीछे कर दो। चंद भाग, चंद लोगों के भाग में ऐसा अवसर होता है जो यहाँ बैठकर भगवान की भक्ति आराधना करते। असीम पुण्य का बंद होता है, भक्ति भाव के साथ पूजन करो।
ऐसा मत समझो कि जो नृत्य कर रहे हैं तो केवल ये मनोरंजन है, हैं? मनोरंजन नहीं है, ये उनकी भाव पूजा है। क्योंकि बिना भाव के कोई नृत्य करता है क्या? बिना भाव के कोई झूमता है क्या? बिना भाव के कोई अर्घ चढ़ाता है? जो चढ़ा रहे हो वह द्रव्य पूजा है, और जो झूम रहे हो, डोल रहे हो, निमग्न हो रहे हो, वह भाव पूजा है। तो जब यहाँ पे नृत्य करते हो ना, तो नाग नागिन के भाव मत बनाओ, है ना? नहीं तो आयु कर्म बनेगी तो फुसकारते रहोगे इसी जिन शरणम में यहाँ वहाँ, और लोग पकड़ पकड़ के निकालते रहेंगे। भाव काय के बनाना है? भगवान की भक्ति के। मैं नाग नागिन बनूं ऐसा नहीं सोचना, है ना? मैं भगवान की भक्ति आनंद के साथ कर रहा हूं। नाग नागिन तो त्रियंच गति है, उसके भाव क्यों बनाना? तो भाव भाव किस करो, कुछ भी नृत्य कोई सा भी हो, लेकिन नृत्य करते समय हमारा ध्यान किस पर रहना चाहिए? भगवान पर रहना चाहिए। भगवान पे ध्यान रहेगा तो वो नृत्य हमारे कल्याण में कैसे रहेगा? भगवान पे ध्यान ज्यों त्रियास पीहर रहे सुरत रहे पिय माय, त्यों भक्ता जग में रहे प्रभु को विसरत नाय। एक लड़की ससुराल चली गई, पीहर चली गई ससुराल से, उदास बैठी है खिड़की के पास। तो ननन ने पूछ वे भाभी ने पूछा कि दीदी उदास क्यों हो? बोली ऐसे ही उदास। बोले नहीं बताओ, सही बताओ, उदास क्यों? ससुर की याद आ रही। बोले ससुर को कौन याद? तो बोले सास की याद आ रही। बोले तो बोले जेठ की याद आ रही है। बोले तो बोले जिठानी की। बोले हट, ननंद की याद आ रही, नंदोई की, देवर की, देवर किया। तो पूछा भाभी ने फिर, दीदी किसकी याद आ रही है, किसकी आ रही थी? हाँ ये तुम्हें ज्यादा मालूम है। बोले ससुरा पीहर में रहकर भी इतने लोग उसके ससुराल में हैं, याद किसको कर रही है? हैं? पिया को, और किसी को याद नहीं कर रही। जबकि उस घर में सारे लोग हैं, वो भी उस पे जान देते हैं, उसको हाथों पे रखते हैं, लेकिन पीहर में रहकर याद किसको करती है? पति को। तो ज्यों त्रिया पीहर रहे सुरत रहे पिय माय, त्यों भक्ता जग में रहे प्रभु को विसरत नाय। जैसे वह त्रिया माने स्त्री पीहर में रहकर भी ससुराल में पति को याद करती है, वैसे भक्त लोग संसार के विषय भोगों में रहकर भी अपने भगवान को याद करते हैं। हम उसी परमात्मा को याद करते हुए यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं। अनंत चतुष्टय के धारी ऋषभ देव भगवान की हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। चलिए भैया अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम अनंत ज्ञान गुण अतिवृष्टि उपद्रव नाशनाय नाशन समर्थाय श्री वृषभ देवती तंकराय अर्घम निर्वामिति। इस मंत्र का जाप करो तो अतिवृष्टि से आपकी रक्षा होगी। नहीं मेघ बरसते सभी जल के लिए तरसे, पशु पक्षी मनुज प्यास से निज प्राण को तजे। ऐसे समय में आपकी पूजा ही मेघ सम हो, अमृतमयी जल वृष्टि से भक्ति करे जन मन। कभी पानी ना गिरे तो इस मंत्र का जाप करें। ओम रीम अनावृष्टि उपद्रव नाशन समर्थाय श्री वृषभ देवती तंकराय अर्घम निर्वामिति। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, मैं तेरा चमत्कार पा गया हूँ। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, मैं तेरा चमत्कार पा गया हूँ। तुमसा दयालु कहीं ना हो गुरु, मेरे छूटे ये दामन कभी ना। तुमसा दयालु कहीं ना हो गुरु, मेरे छूटे ये दामन कभी ना। दुर्भिक्ष हो अकाल हो, असम में जन मरे,
भगवान तुम्हारी भक्ति सुन पाप परिहरे हो वे सुभिक्ष सब तरफ सब पुण्य खट भरे जब मेघ भी समय समय वर्षा सुखत करे। देखिए चोर लुटेरा और डाकू तीन लोग होते हैं, तीनों में क्या अंतर? चोर कौन होता है, लुटेरा कौन होता है, डाकू कौन होते हैं? जो नजर बचा के उठाए वो चोर। सो रहे हो चुपचाप, पैसे निकाल लिए, सामान उठा के ले गए, वो चोर। लुटेरा जो छल से लूट ले, मीठा मीठा बोल के छल कपट करके कि लाओ तुम्हारा पीतल दे दो हम सोना बना देंगे, लुट गई लुट गई लुट गई, दे दिए सोने के आभूषण, वो पता चला वो हाथ का भी गया। डाकू कौन होते हैं? जो डरा के लें, धमका के लें, जो तुम्हारे धन को धमका के डरा के ले जाए, गर्दन पकड़ के बंदूक दिखा के, वो डाकू। जो नजर बचा के ले जाए वो चोर, और जो छल कपट से लूटे वो लुटेरा। ऐसे लोग से पाला पड़ सकता है ना, अपना तो रोज ही पड़ता है, कितने चले गए तो गल्ला को बढ़िया से यार। तो ऐसे चोर, ओम रीम चोर लंटकारी पद्रव निवारकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अरिघम निर्पामिते मंगल ज्योति जला
चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारू। पुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। जिस घर में हो शिवलौकिक छटा तुम्हारी, शिवलौकिक छटा बात जो भी सी पर करवा ले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जला, जगमग ज्योत जला, जगमग ज्योत जला, जगमग ज्योत जला। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, शंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारण हार। ओ बाबा